हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने रिवीजन सीरीज की फॉर टैक्सेशन पेपर। जो लोग स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं अपने सीए इंटरमीडिएट का May 24 में या November 24 में, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। एंड हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारे चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स एंड GST, मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर सके, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हाँ, मैं बता दूं आपको कि रिवीजन लेक्चर्स आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर कर सकूँ। हाँ, और जो इंपॉर्टेंट या मुझे लगेगा कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो थोड़ा सा मैं उसको और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स की। अच्छा, ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, तो इफ यू वुड लाइक टू डाउनलोड दीज नोट्स, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दिस वेबसाइट rajatmogha.com। यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में आप जाइएगा, आपको इजीली ये सीए इंटरमीडिएट के सेक्शन में आपको ये बुक मिल जाएगी एंड यू कैन इजीली डाउनलोड दीज हैंड रिटन नोट्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ये, ठीक है? ईजिली आप हैंड रिटन है तो आप इजीली इसको ग्रास्प भी कर पाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी कि कम से कम टाइम में आप अपना पूरा का पूरा कवरेज कर पाए, ठीक है? स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी मटेरियल मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर कवर की हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की। तो बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं यहाँ पर, क्योंकि नाम ही चैप्टर का है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे पहले टैक्सेस क्या होते हैं? तो टैक्स इज द फीस विच इज चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू है, गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है? उनके हेल्थ सेक्टर को, उनके एजुकेशन को, उनके डिफेंस सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतना सब कुछ डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट नीड्स मनी, तो गवर्नमेंट के काफी सारे सोर्सेस हैं जहां से उनके पास पैसा आता है, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्सेस। तो टैक्सेस क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लोगों की इनकम के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस चार्ज होते हैं। दोनों तरह के टैक्सेस होते हैं, वी अंडरस्टैंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। क्या मतलब था डायरेक्ट टैक्स का? जिसकी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इनकम टैक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो जिसकी इनकम हो रही है उसी को अपना जेब से टैक्स देना पड़ेगा और गवर्नमेंट भी उसी से बोलते कलेक्ट करने के लिए, कि उसी को, सेम पर्सन को कलेक्शन भी कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। यानी कि बर्डन और कलेक्शन सेम पर्सन पर होता है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, राइट? अगर मेरी इनकम हो रही है, ठीक है, मेरी इनकम लेट्स से PGBP की हो रही है या किसी दूसरे हेड की भी हो रही है, तो मेरी इनकम हो रही है तो टैक्सेस क्या मेरे किसी रिलेटिव को बोला जाएगा कि रजत की इनकम हो रही है तो आप टैक्सेस दीजिए? क्या मेरे किसी नेबर को बोला जाएगा? द आंसर इज नो, मुझे ही अपना टैक्सेस डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, राइट? और अगर मैं नहीं कराता हूँ तो मेरे पास फिर दूसरी इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं, पेनल्टीज वगैरह लग जाती हैं, जो आप अपने फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे, राइट? तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्टली जिसकी जेब पर इसका बर्डन आया, गवर्नमेंट उसी से कलेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एंड इनकम टैक्स वी अंडरस्टैंड इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरी तरफ GST भी होता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे कोर्स में ये भी है 50 मार्क्स का। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्चुअली बर्डन पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर, बट कलेक्शन किसी और से होता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप पिज्जा हट जाते हैं या डोमिनोज जाते हैं, तो आपने कोई पिज्जा खरीदा, फॉर एग्जाम्पल वो 400 रुपीज का पिज्जा था प्लस टैक्सेस, तो आपको लेट्स से 450 रुपीज दिए आपने, तो टोटल आपने 450 दिए, 400 का पिज्जा प्लस 50 के टैक्सेस, यानी कि आपकी जेब पर बर्डन पड़ा है इसका, राइट? बट क्या आपने 50 रुपीज खुद जाकर गवर्नमेंट को दिए? द आंसर इज नो, किसी और ने देता है। तो जो सप्लाई कर रहा है वो आपको पिज्जा वो देगा, ठीक है? वो हम बातें GST में पढ़ेंगे, जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स तो कंज्यूमर के ऊपर आता है बट कलेक्शन ऑफ टैक्स किसी और से होता है। तो वी अंडरस्टैंड GST एक एग्जांपल है। फिर हम अपने फाइनल लेवल पर कस्टम्स ड्यूटी पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी इज अनदर इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी, ऑल्दो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया एक्साइज ड्यूटी, बट फिर भी कुछ चीज़ों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, आप लोग पता है GST आपने पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा था कि कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, बट ऑलमोस्ट अब बहुत कम चीजों वो रह गई हैं। बट अगेन एक्साइज ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट, वाज इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बिना लॉ के कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते। अगर कोई किसी भी तरह के टैक्सेस हो, जैसे कि हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स के लिए लॉ होना जरूरी है। तो वी अंडरस्टैंड देयर इज एन इनकम टैक्स एक्ट 1961,
बिना लॉ के कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते, अदरवाइज वो इलीगल होगा। जीएसटी के लिए आप लोग जानते हैं कौन सा लॉ है, जीएसटी एक्ट 2017। तो बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकती है। ये बातें लिखी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, आर्टिकल 245 याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कहते हैं कि अगर टैक्सेस लेने हैं तो देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी ऑफ लॉ, लीगल होने चाहिए, लॉ होना चाहिए उसका, ठीक है, आर्टिकल 245 में बातें लिखी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा आप लोग जानते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेवेंथ स्केड्यूल है उसमें तीन लिस्ट हैं, लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री। लिस्ट वन को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर बातें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट टू को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, और लिस्ट थ्री है दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट, यहां पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। तो जितनी भी चीजें लिस्ट वन में लिखी हुई है, तो कुछ यहां पर एंट्रीज लिखी हुई है, हम इसको पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर, इसको हम एंट्रीज बोलते हैं। तो एंट्री 82 है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंट्री 82 याद रखिएगा, एंट्री 82 ऑफ लिस्ट वन में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स लगाने की पावर, इनकम टैक्स लगाने की पावर लिस्ट वन यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास है। प्लीज मुझे बताइए इनकम टैक्स कैसा लॉ है, स्टेट का लॉ है या सेंट्रल का लॉ है? इट्स अ सेंट्रल लॉ, ऑल ओवर इंडिया लगाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया लगाया जाता है। इनकम टैक्स लगाने की बार एंट्री नंबर 82 में है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर तरह की इनकम के ऊपर हम टैक्सेस लगा सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाते। लिस्ट वन में इसके बारे में बातें नहीं दी गई, क्यों नहीं लगाए जाते, क्योंकि एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्सेस लगाने की पावर लिस्ट टू में दिया हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, आर्टिकल सॉरी एंट्री नंबर 46 है लिस्ट टू का, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, बट ऑलमोस्ट वो लगाते नहीं है, बट फिर भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राइट, बट एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स लगाने की पावर है, दिस यू शुड नो, ठीक है, ओके। दूसरी चीज होती है कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है। तो देखिए अगर हमें इनकम टैक्स लॉ को जब पढ़ना होता है, तो अगर मैं पूरी बॉडी स्ट्रक्चर देखता हूं इनकम टैक्स लॉ का, तो क्या सिर्फ इनकम टैक्स लॉ की नॉलेज के लिए, तो क्या सिर्फ से देख लीजिएगा, हमें इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पढ़ने और बोल दे कि हम पूरा इनकम टैक्स लॉ जान गए, द आंसर इज नो। इट इज इनकम टैक्स एक्ट इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, और इसके और क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हर साल बजट आता है, आप लोग जानते हैं फाइनेंस बिल पास होता है, फिर वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट, तो आपको हर साल का फाइनेंस एक्ट पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग अभी हमारे लिए 2024 एग्जामिनेशन के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2023, ठीक है, अमेंडमेंट। तो हम लोग कहते हैं ना कि सारी अमेंडमेंट्स हमें पढ़ लेनी चाहिए, तो ये वाले जो रिविजन लेक्चर्स हैं दिस आर फुली अमेंडेड फॉर योर मई 24 एंड नवंबर 24 एग्जामिनेशन। हाँ, तो हमें फाइनेंस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, टैक्स के रेट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि इस बार जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, वहाँ पर टैक्सेस के रेट्स चेंज हुए, तो वो सब बातें फाइनेंस एक्ट में लिखी होती हैं। तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स, फिर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करते रहते हैं तो वो नोटिफिकेशंस इशू करते हैं, तो नोटिफिकेशंस इशूड बाय गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट सर्कुलर्स इशू करता रहता है, जो सीबीडीटी है वो सर्कुलर्स इशू करता है, राइट, और कभी कभी कुछ केस लॉ को भी हमें रेफर करना पड़ता है, कुछ केस लॉस को रेफर करना पड़ता है, तो इन सबको मिलाकर बनता है इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो दिस। तो इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट जिसे हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 2023, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट, राइट। बिल्कुल हम लोग शुरुआत करिए तो बिल्कुल बेसिक बातें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ओके। असेसी कौन होता है,
सर असेस के हम लोग जानते हैं इंडिविजुअल भी होता है, एचयूएफ भी होता है, कंपनी भी होती है, ओके okay. पर नॉर्मली असेसी कौन होता है? असेसी वो है जिसकी इनकम आ रही है, द पर्सन हु इज अर्निंग इनकम इज एन असेसी, राइट. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिससे टैक्सेस लेने हैं, इनफैक्ट टैक्सेस ही नहीं, कोई अदर सम भी लेना है. अदर सम इट कुड बी इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने अपना पूरा टैक्सेस दे दिए बट उसके उसको इंटरेस्ट भी पे करना था, उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो भी असेसी है, राइट. तो दैट पर्सन इज ऑल्सो असेसी जिससे किसी भी तरह का टैक्सेस या एनी अदर सम इज पेबल अंडर दिस एक्ट, जिसको किसी भी तरह का कोई भी टैक्सेस या अदर सम लाइक इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह पे करना है, दैट पर्सन इज एन असेसी, राइट. और इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हम असेसमेंट कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, तो उसको भी हम असेसी ही बोलेंगे, करेक्ट. तो यहाँ पर लिखा हुआ असेसी मीन्स अ पर्सन. अब ये पर्सन कौन हो सकता है? दैट पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन, एओपी, बीओआई, तो कंपनी, ये सब लोग पर्सन हो सकते हैं. इवन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जैसे कि कोई टेम्पल है, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च है, डाइटीज हैं, तो ये सब लोग क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. इनकी भी इनकम होती है, तो इनको भी अपनी रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, ओके. असेसमेंट ईयर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में हम अपनी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में हम कितनी इनकम हमने अर्न की है, और उसको हम असेस करते हैं अपने नेक्स्ट ईयर में, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर. तो जैसे ही प्रीवियस ईयर हमारा खत्म होता है, हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है? हमारे एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है. तो हम देखते हैं कि इस प्रीवियस ईयर में हमने कितनी इनकम अर्न की है, राइट. और इसका असेसमेंट कब होगी? असेसमेंट ईयर 24-25 में. तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? वो फॉलो करता है, सक्सीड करता है आफ्टर प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर के बाद आता है, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. 12 मंथ्स का ही पीरियड होता है एंड इट सक्सीड्स प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर के बाद आता है, राइट. प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ्स का होता है, राइट, क्योंकि हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 23-24. क्या कभी कभी ये 12 मंथ से कम हो सकता है? ये बात एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि क्या कभी कभी ये प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है. द आंसर इज येस. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की इनकम ही नहीं थी साल के शुरू में, हमारा प्रीवियस ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2023 को, और मान लेते हैं किसी की यहां पर इनकम ही नहीं थी, उसकी अप्रैल में, मई, जून में, 3 महीने उसकी कोई इनकम नहीं थी, अभी तक कोई इनकम शुरू नहीं हुई है, और वो जुलाई से, फॉर एग्जाम्पल जुलाई में रिजल्ट आया, वो स्टूडेंट सीए बन गया अब, और उसकी जॉब लग गई है, उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दिया, कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, अब उसकी यहाँ से इनकम आनी शुरू हो गई है. तो उसकी साल के शुरू में तो कोई इनकम नहीं थी, अप्रैल में, जून में, ठीक है, मई में उसने एग्जाम्स दिए थे, जून में वो वेट कर रहा था, पार्टी कर रहा था, जुलाई में उसका रिजल्ट आया और वो बहुत खुश हो गया, अब यहाँ पर उसकी जॉब लग गई है, अब उसकी इनकम अर्न होनी शुरू हो गई है. तो अगर आपकी फर्स्ट टाइम इनकम अर्न होनी शुरू होती है, तो आपका प्रीवियस ईयर थोड़ा कम भी हो सकता है, राइट. तो अगर कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है जो न्यूली सेटअप है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वहां से प्रीवियस ईयर फिर वो तभी से शुरू होता है जब से वो हमने बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया है, या फिर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम का है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी उसकी अर्न होनी शुरू हुई है जुलाई से या अगस्त से, तो वहां से उसका प्रीवियस ईयर काउंट होता है. बट असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होगा, प्रीवियस ईयर जनरली 12 मंथ्स का होता है, कभी कभी वो 12 मंथ से कम भी हो सकता है एक्सेप्शनल सिचुएशन में, राइट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होती है नेक्स्ट ईयर में, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर. बट एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे एग्जामिनर, जो एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्या कभी कभी प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो सकती है? द आंसर इज येस, हो सकती है. किस केसेस में? तो कुछ केसेस होते हैं जहां पर केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, राइट. इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम सेम ईयर में असेस होती है. कब? अगर एक नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक शिपिंग कंपनी थी यूएस की, और वो जनरली इंडिया, वो जनरली आते नहीं है, उनकी एक उनकी शिप्स चलती हैं, ठीक है, बट वो इंडिया जनरली आते नहीं है, बट वो कभी इस बार इंडिया आए थे, और इंडिया में उन्होंने कुछ पैसेंजर्स या कुछ कार्गो वगैरह वहाँ से लोड हुआ, और वो इंडियन पोर्ट से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई पोर्ट से या गुजरात पोर्ट से वो जा रहा है, और वो वापस पता नहीं ना इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे, तो इनकम, क्योंकि वो इंडिया में इनकम एक्रू हो रही है इस समय, अराइज हो गई, क्योंकि वो इंडिया के पोर्ट से जब वो पैसेंजर्स जा रहे हैं या कोई गुड्स वगैरह जा रहे हैं, तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है, बट वो लोग शायद कभी इंडिया वापस आएंगे नहीं नेक्स्ट ईयर टैक्सेस पे करने के लिए. तो उस केस में हम लोग नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस में उसी साल प्रीवियस ईयर में ही हम इनकम टैक्सेबल कर देते हैं, असेस कर देते हैं सेम ईयर में, राइट. हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करते. और आप सारे ऐसी केसेस पढ़ेंगे जहां पर हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर शायद वो असेसी रहेगा ही नहीं टैक्सेस देने के लिए, वो भाग जाएगा, गायब हो जाएगा,
या फिर कहीं चला जाएगा, तो ऐसे केसेस में हम लोग सेम ईयर में ही कलेक्शन कर लेते हैं, असेसमेंट करते हैं। पर्सन लिविंग इंडिया विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, एक व्यक्ति है, सेक्शन याद करने जरूरी नहीं है आपको, 172, 174 वगैरह नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो दिस कि कौन कौन से केसेस में हमारी इनकम इसी साल टैक्सेबल हो जाती है। ओके, तो पर्सन लिविंग इंडिया विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, एओपी या बीवाई बहुत पर्टिकुलर इवेंट के लिए, कोई इवेंट हो रहा था, ठीक है, वहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन हो रहा था और दो लोगों ने मिलकर वो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनको इवेंट का ये फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट मिला है और चार दिन वो फंक्शन चलेगा और फिर वो खत्म हो जाएगा, तो चार दिन में उन्होंने जो इनकम अर्न करी उसके बाद उनका जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो अगर कोई एओपी बीवाई फॉर्म हुई है फॉर पर्टिकुलर पर्पज के लिए और वो बाद में डिजोल्व हो जाएगी, तो हम उसी को उसी साल असेस करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में वेट नहीं करते क्योंकि असेसमेंट ईयर में वो हमें मिलेंगे नहीं लोग, राइट। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस, अगर कोई व्यक्ति अपने टैक्सेस इवेड करने के लिए, ठीक है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर रेट पड़ सकती है या फिर मेरी बहुत सारी इनकम है जो मैंने छुपाई हुई है, तो उसको इवेड करने के लिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, बेचने की कोशिश करता है, तो अगर हमें ऐसे पता चलता है तो भी इस केस में भी हम प्रीवियस ईयर में कहीं वो अपनी जितना भी उससे टैक्सेस रिकवर हम कर पाते उसकी प्रॉपर्टी वगैरह से, अगर वो हम नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो हम उस केस में हम उसका इसी प्रीवियस ईयर में ही असेस कर देते हैं। और लास्ट है जो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाते हैं उन बिजनेसेस की भी हम सेम प्रीवियस ईयर में असेस कर देते हैं, राइट। सो दीज आर इम्पोर्टेंट। ओके, हेड्स ऑफ इनकम हम लोग जानते हैं, पांच हेड्स हैं बहुत अच्छे से। फर्स्ट हेड हमारा सैलरी आएगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, और लास्ट हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, इनकम टैक्स रेट्स क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और यहां पर अमेंडमेंट भी है, स्पेशली जो न्यू रिजीम है डिफॉल्ट रिजीम में वहां पर अमेंडमेंट है। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए स्लैब रेट्स लगते हैं, इनके लिए स्लैब रेट्स हम लोग लगाते हैं, और इनके पास ऑप्शन होता है कि अपने जो टैक्सेस इनको देने हैं स्लैब रेट्स से जो टैक्सेस देने हैं, चाहे तो वो न्यू स्कीम में जिसको अब हम डिफॉल्ट स्कीम बोलते हैं वो डिफॉल्ट स्कीम के थ्रू दे सकते हैं, या फिर वो एक ऑप्शनल स्कीम ले सकते हैं जिसको हम ओल्ड स्कीम भी बोलते थे, ओल्ड रिजीम भी बोलते हैं। तो इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डिफॉल्ट रिजीम से दें या फिर ऑप्शनल स्कीम ले सकते हैं, ठीक है, इनके पास ऑप्शन है। डिफॉल्ट रिजीम का सेक्शन कोशिश करिएगा याद हो जाए आपको, 115 BAC, तो इसमें रिविजन में भी मैं रेगुलर लेक्चर में तो सब स्टूडेंट्स को याद ही हो जाता है, मैं इतनी बार इसको रेफर करवाता हूँ आपसे, बट रिविजन लेक्चर में भी मैं इसको काफ़ी बार रेफरेंस लूंगा इस सेक्शन का, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सेक्शन याद हो जाए, 115 BAC। तो 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम का है, तो हम अगर न्यू टैक्स रिजीम से टैक्सेस देते हैं तो हमारे पास रेट क्या लगते हैं, रेट देख लीजिएगा पहले, तो एज पर न्यू टैक्स रिजीम रेट्स क्या हैं, पहले रेट्स कम होते थे, अब थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं 3 लाख तक, फर्स्ट 3 लाख तक कोई टैक्सेस नहीं होगा, तो अप टू 3 लाख तक देयर वुड बी नो टैक्स, 3 लाख से जब ऊपर जाते हैं हम, 3,01 रुपीज से जब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, तो 3 to 6 लाख तक 5% रेट है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 3-3 लाख का डिफरेंस चलेगा, फर्स्ट 3 लाख पर नल, नेक्स्ट 3 लाख पर 5%, ठीक है, और यहाँ पर 5% का डिफरेंस चलेगा, बस लास्ट में जाकर 20 के बाद सीधा 30 हो जाता है। तो फर्स्ट 3 लाख तक नल, नेक्स्ट 3 लाख तक 5, फिर नेक्स्ट 3 मतलब 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख, यहाँ पर मैंने 9 लाख लिखा हुआ, बट इसका मतलब होता है 9,01 रुपीज से अब जब जाते हैं आप, 9,00,000 to 12,00,000 15%, 12,00,000 to 15,00,000 इज 20%, बस ये याद रखिएगा, 15 लाख के बाद 30% तक जाता है सीधा, बस यहाँ पर आके देखो, ये याद करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर 3 लाख का डिफरेंस चलता रहेगा, यहाँ पर 5% का डिफरेंस चलता रहेगा, करेक्ट। लास्ट में जैसे ही आप 15 लाख पहुंचेंगे तो 15 लाख के बाद आपका सीधा हो जाएगा 30%, तो अबव 15 लाख की इनकम के ऊपर 30% रेट होता है, ठीक है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बोलेंगे, तो हमें पता है कि हमें बहुत सारे जो हम आगे के हेड्स में पढ़ने वाले हैं कि कुछ डिडक्शंस होती हैं, कुछ एग्जम्पशंस होती हैं जो हमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलती हैं। अगर आप ऑप्शनल में जाते हैं वहां पर फर्क क्या होता है, वहां पर थोड़े से ज्यादा टैक्स रेट होते हैं, वहां पर देखिए आप 5 लाख के बाद ही 20% देने लगते हैं, और यहां पर 20% आपने कब दिया, 12 लाख के बाद आके 20% दिया, तो इसको हम कंसेशनल रेट स्कीम भी बोलते हैं, राइट। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जनरली बोलेंगे इसको, न्यू टैक्स रिजीम भी बोल सकते हैं, कंसेशनल टैक्स रिजीम भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट्स कम है,
बट यहाँ पर आपको एक फायदा दिया तो दूसरा फायदा वापस ले लिया, यहाँ पे डिडक्शंस वगैरह कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो नहीं मिलती, राइट। और अगर पुरानी स्कीम क्या थी, वो भी है ऑप्शनल है स्कीम, तो आप कोई अगर जैसे इंडिविजुअल है, HUF है, तो वो दोनों स्कीम्स के बीच में ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्कीम पे ज्यादा बेनिफिट होता है। एक हमारा एक नया चैप्टर ऐड हुआ है नए कोर्स में, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल लास्ट में जाकर आएगा, ठीक है, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। वहां पर आपको ये देखना पड़ता है कि मेरे लिए ऑप्टिमम कौन सा ऑप्शन रहेगा, क्या मैं ऑप्शन वन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का चूज करता हूँ या फिर मैं ऑप्शन टू यानी कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम का चूज करें, तो जहां पर भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, जहां पर आपका कम से कम टैक्स आता है, हम वो चूज करेंगे, वो हम मैं आगे भी आपको बताऊंगा बातें। ओके, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में क्या टैक्सेस रेट होते हैं, अप टू 2.5 लाख, ये पुराने वाले, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, अप टू 2.5 लाख नेल, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 से लेकर 10 तक 20, और अबव 10 लाख 30% टैक्स रेट होंगे, राइट। ऑब्वियसली सेस तो दोनों में ही लगेगा, ठीक है, 4% सेस दोनों में ही लगता है। रिबेट यहाँ पर वैसे ही रहती है, रिबेट पुराने वाले में 5 लाख, अभी मैं आगे 87A भी बताऊंगा रिबेट का, यहाँ पर 5 लाख तक अगर टोटल इनकम है तो रिबेट मिल जाती है, जितना टैक्सेस या 12,500 व्हिचएवर इज लोअर, पुरानी वाली रिबेट थी। यहाँ पर रिबेट का अमाउंट अब कर दिया गया 7 लाख तक, अगर 7 लाख तक की इनकम है न्यू स्कीम में, डिफॉल्ट स्कीम में, तो यहाँ पर रिबेट मिल जाती है, ठीक है, वो भी हमें आगे पढ़ना है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप, क्या कोई इंडिविजुअल मान लेते हैं ये चाहता है कि वो इस साल ऑप्शनल स्कीम ले और बाद में फिर वो डिफॉल्ट स्कीम ले, क्या वो बार बार चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज येस एंड द आंसर इज नो ऑल्सो। तो डिपेंड करता है कि उसकी पीजीबीपी की इनकम आती है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसएससी है जिसकी कोई पीजीबीपी की इनकम नहीं आती, उसकी इनकम आती है सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, आईएफओएस से, बट नॉट पीजीबीपी। अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं आ रही है तो फिर आप हर साल ये चेंज कर सकते हो, जो भी आपको बेनिफिशियल लगे उस ऑप्शन में जा सकते हो, राइट। बट अगर एसएससी की पीजीबीपी की इनकम आ रही है तो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम आती है तो एक बार आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आपने चूज कर लिया, एक बार आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम चूज कर लिया, फिर आप इससे बाहर नहीं जा सकते, फिर आप इससे वापस ऑप्शनल स्कीम में नहीं जा सकते, अनलेस एंड अंटिल आपकी पीजीबीपी की इनकम आना बंद नहीं हो जाती। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बार एसएससी की पीजीबीपी की इनकम आ रही है और वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वो चूज कर लेता है, फिर वो अगले सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही रहेगा, वो वापस पुराने ऑप्शन में नहीं जा सकता, अनलेस एंड अंटिल अगर आगे जाके 2-3-4 साल के बाद जाकर उसकी पीजीबीपी की इनकम आना बंद हो जाती है, अब जाकर वो चेंज कर सकता है, वापस स्कीम में आ सकता है। बट एक बार डिफॉल्ट स्कीम में चले जाते हैं तो फिर हम वापस नहीं आ सकते, अगर पीजीबीपी की इनकम आती है तो। पीजीबीपी की इनकम नहीं आती तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। कंपनीज और फर्म के लिए स्लैब रेट्स नहीं होते, उनके लिए फ्लैट रेट्स हैं, अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, ऑप्शनल स्कीम में मैं एक बात और बता दूं, ऑप्शनल स्कीम में जो पुरानी स्कीम थी हमारी, वहां पर हमें पता था, वहां पर हमें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते थे, वो अभी भी हैं। तो अगर सीनियर सिटीजन है प्लस रेसिडेंट है, देखिए इनकम टैक्स में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी बातें होंगी सीनियर सिटीजन की तो वो हमेशा याद रखिएगा कि वो रेसिडेंट होना जरूरी है। जो भी कोई पूरे इनकम टैक्स में जहां पर भी सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिया गया है ना, वहां पर नॉन रेसिडेंट को नहीं दिया गया, सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है ना, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट है, राइट। ओके, अगर एसएससी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि एसएससी की एज 60 ईयर्स, ठीक है, 60 ईयर्स और मोर है, 60 ईयर्स और मोर है तो वो सीनियर सिटीजन कहलाया जाता है, 80 ईयर्स और मोर आते तो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाया जाएगा, यानी कि 60 ईयर्स से 79 ईयर्स तक सीनियर सिटीजन कहलाए जाएंगे, 3 लाख तक नेल, 3-5 लाख 5%, 5-10 लाख 20, और अबव 10 लाख 30% है, पुराने वाले रेट्स ही हैं। सुपर सीनियर सिटीजन ऑप्शनल स्कीम हम बातें कर रहे हैं, अप टू 5 लाख नेल, 5-10 लाख तक 20, और अबव 10 लाख 30% रहेगा, राइट। बट न्यू स्कीम में एज वाला कोई बेनिफिट यहां पर नहीं है, यहां पर सबके लिए, आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहे हैं तो सबके लिए अप टू 3 लाख यही वाले रेट चलेंगे, अप टू 3 लाख नेल, 3-6.5%, राइट। तो यहां पर एज वाइज वाला बेनिफिट नहीं है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, याद रखिएगा, यहां पर है ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट है, राइट, क्लियर हो गया। अच्छा, ये एज सीनियर सिटीजन की कब होनी चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 में, अगर एसएससी की एज 60 ईयर्स उसका बर्थडे आया और वो 60 ईयर्स का हो गया तो हम उसको सीनियर सिटीजन मानेंगे, यानी कि 31 मार्च 2024 तक
प्लस एक दिन और लिया गया 1 अप्रैल। अगर आपका अगले दिन भी सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल तक क्यों लिया गया ये हम रेगुलर क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए रिविजन चल रहा है तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो 1 अप्रैल ही यहाँ पर याद रखिएगा। अगर 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर को भी अगर वो 60 ईयर्स का हो गया तो उसको सीनियर सिटीजन ही मानिएगा, 2 अप्रैल को नहीं 1 अप्रैल को, राइट। ओके, रिबेट की बातें कर लेते हैं। पहले ऑप्शनल स्कीम में रिबेट 5 लाख तक ही था, ठीक है 5 लाख तक अगर टोटल इनकम है तब रिबेट मिल जाता था, 5 लाख से जैसे ही ज्यादा हुआ रिबेट नहीं मिलेगा, राइट रिबेट नहीं मिलेगा। तो टोटल इनकम यहाँ पर कौन सी इनकम देखनी है, हर हेड की अलग अलग देखनी है, ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है, टोटल इनकम देखनी है, टोटल इनकम यानी कि आफ्टर डिडक्शंस। तो टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है तो रिबेट मिलता था, कितना रिबेट, जितना टैक्सेस या 12,500 विच एवर इज लोअर। अच्छा जब रिबेट देखते हैं तो कब लगाते हैं, सेस लगाने के बाद या सेस लगाने से पहले, सेस लगाने से पहले। तो पहले अपना टैक्स निकालिए फिर रिबेट देखिए और फिर बाद में सेस, राइट। तो सेस लगाने से पहले हमेशा रिबेट देखना पड़ता है। और न्यू टैक्स रिजीम में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ सकता है न्यू टैक्स रिजीम के रिबेट का, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमेंडमेंट भी है ये कि अगर आपकी कोई भी रिबेट, अच्छा रिबेट किसको मिलती है, क्या HUF को मिल पाएगी, नहीं, इट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। रिबेट याद रखिएगा ओनली एंड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, किसी और को रिबेट नहीं मिलेगी। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल जहां पर टोटल इनकम अगर SSC की 7 लाख तक है तो उसको रिबेट मिल जाती है, उसको रिबेट मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, जितना भी उसका टैक्स हुआ 7 लाख तक, जितनी भी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख उसकी इनकम आई तो 6 लाख पर जितना टैक्स आया, और 25,000 विच एवर इज लोअर। ये 25,000 कैसे आया होगा, आप 7 लाख पे अगर न्यू स्कीम के हिसाब से टैक्स भी निकालेंगे ना 7 लाख पर तो 25,000 ही आता है। देखिए शुरू के 3 लाख पर नेल, नेक्स्ट 3 लाख पर 5% 15,000, और शुरू के 3 लाख पर नेल, नेक्स्ट 3 लाख पर 15%, और 1 लाख और ले लेता हूँ मैं 7 लाख करने के लिए, 1 लाख के ऊपर 10% कितना हुआ 10,000। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000 कैसा आया होगा, 7 लाख पर जो टैक्स आता है वो 25,000 ही होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया 25,000। तो जितना भी टैक्स है और 25,000 विच एवर इज लोअर तो इतना आपको रिबेट मिल जाएगा। अच्छा अब एक जो क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में वो ये आएगा कि अगर असेसी की इनकम 7,01,000 है तो क्या उसको रिबेट मिल जाएगा। यहां से देखने से तो लग रहा है नहीं मिलेगा उसको रिबेट क्योंकि उसकी इनकम तो सिर्फ 7 लाख तक है, बट उस केस में भी उसको रिबेट मिलता है। तो एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट होता था सरचार्ज में, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर आज रिबेट में भी है। तो जब आप मार्जिनल रिलीफ का मैं आपसे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा सरचार्ज में, मैं वहां पर ही ये वाली बात भी डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि उसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि यहां पर अगर असेसी की इनकम 7,01,000 है या 7,02,000 है और वो न्यू स्कीम में आ रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहा है, उसका आपको टैक्स निकालने के लिए बोला जाएगा। MCQ में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट अभी नहीं करा रहा हम देखें। बिल्कुल मैं लास्ट में जाकर ना सरचार्ज की बातें करता हूँ। सरचार्ज को मैं इंस्टीट्यूट ने उसको इसी चैप्टर में कवर करा है सरचार्ज को, बट मैं यहाँ पर सरचार्ज को बातें नहीं करूँगा फर्स्ट लेक्चर में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं डिविडेंड की इनकम से, कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह से, 112A और 112 से भी रिलेटेड है। तो वो बातें ना मैं तब डिस्कस करूंगा जब आप कैपिटल गेन वगैरह इन सब के बारे में मैं डिस्कस आपके साथ कर लूंगा। तो मैंने सरचार्ज का एक अलग से चैप्टर बनाया, बिल्कुल लास्ट में सेकंड लास्ट चैप्टर है सरचार्ज का, अगर आप देखेंगे इस बुक में तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा, उस चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ और इसकी रिबेट की बातें भी मैं वहां पर डिस्कस करूंगा, राइट। रिबेट एक बात याद रखिएगा, जो 112A की इनकम होती है, 112A वो क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, जब हम लॉन्ग टर्म स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं तो 112A मिलता है, जिसमें से 1 लाख को छोड़ने के बाद हम लोग टैक्स लगाते हैं, उसमें से रिबेट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर असेसी की इनकम फॉर एग्जाम्पल 4 लाख है या 5 लाख या 6 लाख है, मान लेते न्यू स्कीम की बातें कर लेता हूँ, और वो पूरी की पूरी इनकम उसकी 112A से आ रही है तो क्या उसको रिबेट मिलेगा, द आंसर इज नो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी रिबेट ना 112A की इनकम से नहीं मिलता है। 112A की बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैपिटल गेन में। ओके, सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है। जनरली इंडिविजुअल के बारे में अगर मैं बातें करता हूं तो 50 लाख से ऊपर की जब आप इनकम अर्न करते हैं तो आपके ऊपर सरचार्ज लग जाता है, फिर 50 लाख है, फिर 1 करोड़ है, फिर 2 करोड़, इस तरीके से। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सरचार्ज को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन चैप्टर 15। हाँ जी, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% होगा,
तो हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं, पहले टैक्स निकाल लीजिए, फिर उसके बाद अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज लगता है, उसके बाद फिर हम टोटल सरचार्ज को इंक्लूड करने के बाद सेस लगाते हैं 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। तो टैक्स प्लस सरचार्ज को ऐड करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, दैट इज 4%, राइट। अपनी टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने हर हेड को राउंड ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी की 3 हेड से इनकम आ रही है, सैलरी से आ रही है, पीजीवीपी से आ रही है, कैपिटल गेन से आती है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सैलरी को भी राउंड ऑफ कर दिया, कैपिटल गेन को भी राउंड ऑफ कर दिया और पीजीवीपी वगैरह उनको भी राउंड ऑफ कर दिया। प्लीज आपको हर इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना है। सर तो क्या ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर सकते हैं? नहीं, जो आपकी लास्ट में जो टोटल इनकम आती है, टोटल इनकम को आप राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10 पर, ठीक है, नियरेस्ट 10 पर। अगर लास्ट की डिजिट 1, 2, 3 या 4 तक है तो आप प्रीवियस वाले 10 पर चले जाते हैं, और अगर 5 या 5 से ज्यादा, सिंपल मैथमेटिक्स वाला रूल चलता है यहाँ पर, तो लास्ट वाली डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है फिर नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 पर चले जाते हैं, तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है टैक्स का। ये बात सेक्शन 288A में लिखी है, सेक्शन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि हम अपनी टोटल इनकम को राउंड ऑफ करेंगे, राइट। और इसी तरीके से जो लास्ट में हमारा टैक्स पेएबल आ जाता है, टैक्स पेएबल या टैक्स रिफंडेबल आता है, उसको भी हम राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 10 पर, ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 पर वो राउंड ऑफ होता है। सेम कंसेप्ट चलेगा, अगर लास्ट में 1, 2, 3 या 4 है तो पहले आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्स आया 10,124 तो क्या कर देंगे आप उसको 10,120 पहले आ जाएंगे यार। और अगर ये होता 126 तो आप ये का टैक्स हो जाता 10,130, राइट, ओके। टैक्स रेट फॉर अदर एसएससी, तो हमने देखा कि इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन वगैरह के लिए तो स्लैब रेट्स लगते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए फ्लैट रेट लगता है इंक्लूडिंग एलएलपी। तो लिमिटेड लायबिलिटी, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एलएलपी क्या होती है, एलएलपी इज अगेन वो कैसे असेस होती है, एज अ पार्टनरशिप फर्म। तो एलएलपी पार्टनरशिप फर्म की तरह ही असेस करेंगे आप, टैक्स का रेट 30% रहेगा, 30% प्लस फिर सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस सेस लगाते हैं इसके ऊपर। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर रेट क्या होते हैं, जनरली रेट 30%, जो डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% होगा, फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% होता है पर डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% होता है। हाँ, अगर डोमेस्टिक कंपनी एक छोटी कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, उसका टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22 अगर 400 करोड़ तक है तो उसके ऊपर 30% नहीं लगता, फिर 25% लगता है। तो ये बात आपके, ऑल्दो इंटरमीडिएट में मेनली हम लोग बातें करते हैं इंडिविजुअल के बारे में बातें होती है, कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म के बारे में ज्यादा नहीं होती, बट स्टिल यू शुड नो कि कंपनीज के ऊपर रेट क्या होते हैं। फॉरेन कंपनी के ऊपर याद रखिएगा 40%, डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30%, और अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22 400 करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो 25% होता है। कुछ और डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर भी रेट होता है 22%, 15% वगैरह भी, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम फाइनल लेवल पर डिस्कस करते हैं। एक सेक्शन होता है 115B, AA, BAB वगैरह सेक्शन होते हैं, बट वो आपको अभी नहीं करना है, इंटरमीडिएट में नहीं करते, वो हम आपको नेक्स्ट लेवल पर करेंगे फाइनल लेवल पर, ठीक है, ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर रेट क्या होते हैं, अप टू 10,000 10%, 10,000 से लेकर 20,000 तक 20%, मोर देन 20,000 पर 30%, बट अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ओके। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ल�ग टर्म कैपिटल गेन जिसको हम सेक्शन 112 बोलते हैं, ये बात हम कैपिटल गेन के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का रेट रहेगा 20% का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नॉर्मल रेट्स रहते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसा हो, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स वाला, जो हम कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट जो आपने स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे होंगे, जिसके ऊपर STT पे होता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर वो शॉर्ट टर्म हो तो वो 111A कहलाता है, तो 111A के ऊपर रेट हो रहता है 15% का। अगर ये शॉर्ट टर्म ना होके इक्विटी शेयर से इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स लॉन्ग टर्म हो जाए, इसको हम सेक्शन का नाम देते हैं 112A, इसके ऊपर टैक्स का रेट लगता है 10% का। बट याद रखिएगा जो 112A ये लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी यहां पर इनकम 4 लाख की आई है तो यहां पर -1 लाख को एग्जेम्प्ट हो जाती है और 3 लाख के ऊपर ही टैक्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 5 लाख आएगा तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 लाख हमेशा माइनस करेंगे और उसके बाद हम टैक्स लगाते हैं 10% का। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जनरली तो स्लैब रेट्स वगैरह लगेंगे इंडिविजुअल वगैरह के ऊपर, बट अगर उसकी इनकम आ रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तो 20%, बट ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक और स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा हुआ, इक्विटी शेयर्स के ऊपर।
देखो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बिल्डिंग बेची है, लैंड बेचा, लॉन्ग टर्म आया तो 20%, बट अगर इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और एसटीटी वर्ड लिखा हो, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स वर्ड लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो कि स्टॉक एक्सचेंज पर वो ट्रांजेक्शन हुई है, तो हम फिर 10% का रेट लगाते हैं। बट ये जो 10% लगेगा वो 1 लाख के बाद लगेगा, 1 लाख माइनस करने के बाद आप लगाएंगे। कैजुअल इनकम, ऑनलाइन विनिंग, ठीक है, लॉटरी वगैरह की इनकम के ऊपर 30% के रेट रहते हैं। और जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट वगैरह, उसके ऊपर 60% के टैक्स रेट लगते हैं। ये बातें मैं आपको पीजीबीपी चैप्टर के साथ बताऊंगा, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं, द अबव रेट्स आर फॉर ऑल एसेस। ये जो रेट्स है ना, जैसे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर हमने रेट क्या देखा, 30%, वो उसका नॉर्मल रेट था। बट अगर पार्टनरशिप फर्म का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाए तो 20% लगेगा, 111A आ जाए तो 15 लगेगा। यानी कि ये रेट सबके लिए होते हैं। ये जो हमने पहले रेट्स पढ़े थे वो नॉर्मल इनकम के ऊपर रेट्स पढ़े थे, जैसे पीजीबीपी की इनकम है या फिर हमारी सैलरी वगैरह की इनकम है, उसके ऊपर वो रेट्स लगते हैं। बट अगर एसएससी की ऐसी इनकम आ जाती है तो हमारे फिर ये वाले रेट्स लगते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन बैंक ये भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सेपरेट सीरीज में, तो वहां पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम टैक्स के रेट्स कैलकुलेट करते हैं, राइट। ओके, तो स्पेशल रेट्स विल अप्लाई इरिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स हैं, आप चाहे न्यू स्कीम फॉलो कर रहे हैं या फिर आप ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम ऑप्शनल स्कीम भी बोलते हैं, दोनों में यही रेट्स रहेंगे, दोनों में यही रेट, स्पेशल टैक्स रेट्स दोनों में सेम रहेंगे, राइट। जो हमें नॉर्मल इनकम होती है वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होती है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ एयूपी वगैरह के लिए स्लैब रेट्स नॉर्मल होते हैं, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म वगैरह के लिए फ्लैट रेट्स नॉर्मल होते हैं, बट स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट सब लोगों के लिए। ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ होता है ना, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ, 87A का रिबेट किसको मिलता है, वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को, वो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, वो भी रेसिडेंट को। बट ये जो मैं बातें बताने वाला हूँ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ के लिए होती है। ये क्या होती है, एक बार जल्दी से इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स से एक असेसी है मिस्टर ए, मिस्टर ए की सैलरी इनकम आती है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, इनकी कैपिटल गेन की इनकम है फॉर एग्जाम्पल 4 लाख, और इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 3.5 लाख, और इनकी फॉर एग्जाम्पल कैजुअल इनकम आती है 10 लाख, तो टोटल इनकम ही हैज 15 लाख, 15 लाख की इनकी टोटल इनकम हो जाती है। लेट्स से दिस इज टोटल इनकम, मैं डिडक्शंस वगैरह नहीं लिए मैंने, दिस इज आवर टोटल इनकम। तो जैसे मैं अपनी रेगुलर क्लास में बताता हूं कि जब भी आपको टैक्स निकालना होता है तो हमेशा पहले ये देखते हैं कि हमारे पास स्पेशल इनकम है या नहीं है, तो हमेशा स्पेशल इनकम को हमें इसी ऑर्डर में लिखना चाहिए। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए कि क्या हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 112 वाला, 112 वाला मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ये, जिसके ऊपर टैक्स का रेट लगता है। ये अगर सेक्शन आपको याद नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है, जरूरत नहीं भी है याद करने की, अगर याद हो जाए तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% का रेट होता है। फिर हम लगाते हैं क्या हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, उसके ऊपर 15% का टैक्स रेट होता है। फिर हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, ये होता है इक्विटी शेयर से इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स जो आप स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं, इसके ऊपर टैक्स का रेट होता है 10% का। फिर हम देखते हैं कि कोई हमारी कैजुअल इनकम है क्या, कैजुअल इनकम के ऊपर रेट होते हैं 30% के, और फिर बाकी की हमारी रिमेनिंग इनकम होती है जिसको हम नॉर्मल इनकम भी बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल इनकम भी बोलते हैं, राइट, या रिमेनिंग इनकम भी बोल देते हैं। तो ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर रखेगा, तो आप ये मत देखने लगिए कि कौन कौन सी मेरी नॉर्मल इनकम है, कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमेशा ऐसा देखिए जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो ये इसी ऑर्डर में बनाते हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं अपने नॉर्मल क्लासेस में कि इसी ये ऑर्डर रखा क्यों गया है, यहाँ पर क्या 111A पहले क्यों नहीं आता या 112A पहले क्यों नहीं आता, बट ये सेम ऑर्डर इसी ऑर्डर में रहता है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको याद करने की। तो हमेशा देखिए इस 15 लाख की जो हमारी इनकम है क्या इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पर लिखा था 3.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 3.5 लाख का यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है।
फिर क्या यहाँ पर ट्रिपल वन ए है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ऐसे ट्रिपल वन ए अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कहीं पर तो हम मानेंगे नहीं है हमारे पास कोई ट्रिपल वन ए वाला नहीं है। 112A वाला स्पेसिफिकली मेंशन होगा, इक्विटी शेयर से इक्विटी होल्डेड यूनिट्स, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जैसी बातें लिखी हो, स्टॉक एक्सचेंज जैसी बातें लिखी हो, तो लेट से नहीं है यहाँ पर भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था। कैजुअल इनकम है कि हाँ सर कैजुअल इनकम है 10 लाख रुपीज की, आईएफओ इसकी लॉटरी से गेम शो वगैरह से इनकम होगी तो हमारी यहाँ पे 10 लाख रुपीज की इनकम। तो हमने क्या किया अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ट्रिपल वन ए, एलटीसीजी, कैजुअल इनकम और एक और बनता है अनएक्सप्लेन्ड इनकम का, बट जनरली वो नहीं आता है, जनरली अगर हो तो यहाँ पर आप अनएक्सप्लेन्ड इनकम भी लिख दीजिएगा 60% का जिस पर टैक्स रेट लगता है। अनएक्सप्लेन की बातें मैं पीजीपी में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके अब क्या हुआ 15 लाख में से 3.5 इधर गया, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 0 10 लाख, तो रिमेनिंग कितना बचा सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालिए, 15 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो बचा 1.5 लाख। ओके तो लेट से असेसी हमारा न्यू टैक्स रिजीम में आता है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आता है या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आता है, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ये सेम फॉलो होगा, ये रूल दोनों में फॉलो होगा। लेट से मैंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में माना, तो हम लोग जानते हैं कि 3 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं लगता, अप टू फर्स्ट 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख नेक्स्ट 3 लाख पर 5%, फिर नेक्स्ट 3 लाख पर 10%, इस तरीके से होता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा सीधा 3.5 लाख के ऊपर 20% टैक्स निकाल दिया 70,000, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 10 लाख पर निकाल दिया 30%, 3 लाख, और 1.5 लाख के ऊपर बोला कि नॉर्मल इनकम है, स्लैब रेट्स लगेंगे, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहा है तो यहाँ पर कोई टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि फर्स्ट 3 लाख पर तो लगता नहीं है, और अगर ये ऑप्शनल टैक्स स्कीम में आते तो भी हम बोल देते शुरू के 2.5 लाख पर तो लगता नहीं है तो हम छोड़ देते इसको और बाकी का टैक्स ऐड कर देते। बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और वो भी रेसिडेंट, और प्लीज बताइए अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो ये ना बताए कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, तो हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, वी ऑलवेज एज्यूम रेसिडेंट। मुझे बताओ अगर मैं आपको ये ना बताऊं, मैंने आपसे अभी तक इतनी क्लास हो गई ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के आसपास, तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैंने अभी अब तक आपको ये नहीं बताया कि मेरा बर्थ कहां पर हुआ था, तो क्या मेरा बर्थ इंडिया में हुआ है या मेरा बर्थ यूएस में हुआ है, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया, तो प्लीज बताइए अगर नहीं बताया तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि क्या मैं यूएस में पैदा हुआ था या इंडिया में, तो आप नॉर्मली एज्यूम करेंगे इंडिया में, राइट, मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है, राइट। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा एज्यूम करिएगा कि असेसी रेसिडेंट, राइट। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा नॉन रेसिडेंट फिर हम नॉन रेसिडेंट की तरह करेंगे, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा या फिर क्वेश्चन बताएगा तो रेसिडेंट ही ऑब्वियसली करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी रेसिडेंट ही करिएगा, राइट। नॉन रेसिडेंट को एजम्पशन मत लेना, नॉन रेसिडेंट की तभी एजम्पशन आपको लेनी नहीं है, क्वेश्चन बताएगा स्पेसिफिकली तब नॉन रेसिडेंट मानिएगा। ओके नाउ प्लीज बताइएगा अगर ये प्रोविजन हम सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ के लिए लगाते हैं, हम ये देखते हैं कि उसकी जो नॉर्मल इनकम है क्या वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या नहीं है। पता चला कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, लेट्स से ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहा है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 3 लाख, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे से 1.5 लाख, तो कितनी डेफिशिएंसी है, कितनी डेफिशिएंसी है सर 1.5 लाख की, अभी डेफिशिएंसी है 3 माइनस 1.5 बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डेफिशिएंसी मीट आउट करते हैं, कहाँ से करते हैं, अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, अगर यहाँ पर हमारे पास 1.5 लाख हैं तो हम यहाँ से मूव करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं होते फिर हम 111A से मूव कर सकते हैं, और थर्ड हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, हम सिर्फ 3 जगह से मूव कर सकते हैं, सबसे पहले LTCG 20% वाले से, फिर 111A से, फिर 112A से, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑर्डर सेम रखिएगा प्लीज, इसमें गड़बड़ नहीं करनी होनी चाहिए, पहले 20% वाले में से मूव करते हैं, अगर वहां से मूव नहीं हो पाता, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर सिर्फ 1 लाख होता, अगर यहां पर सिर्फ 1 लाख होता और हमें 1.5 लाख की डेफिशिएंसी थी, ठीक है, आप इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे, ये 1.5 वाला मैं कौन सा बोल रहा हूँ, जो हमारा डेफिशिएंसी आई है 3 माइनस 1.5, ठीक है, ओके। तो हमेशा पहले यहाँ से मूव कीजिए, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 लाख होता तो 50,000 की अभी भी डेफिशिएंसी होती, हम फिर यहाँ से मूव करते, फिर अगर यहाँ से भी पूरा नहीं होता तो फिर हम 111A से मूव करते हैं, हम कैजुअल इनकम से या अनएक्सप्लेन्ड इनकम से नहीं कभी भी मूव करेंगे, राइट। और ये मूवमेंट
ये वाला प्रोविजन, ये मूवमेंट वाला रूल कब लगाएंगे हम लोग? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ। अगर ये नॉन रेसिडेंट होता तो फिर हम ऐसा कुछ नहीं करते, फिर सीधा इसके ऊपर 20%, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 30%, 10 लाख के ऊपर लगा देते और इस पर जीरो आ जाता, राइट। बट रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 लाख की डेफिशिएंसी है। हम क्या करेंगे, क्या ये हमारी डेफिशिएंसी यहाँ से पूरी हो सकती है? द आंसर इज येस। तो यहाँ से हम -1.5 लाख करेंगे और यहाँ पर हम +1.5 लाख करेंगे, जिससे कि यहाँ पर 3 लाख हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, तो नाउ दिस इज 2 लाख, 2 लाख पर 20% टैक्स लगाइएगा, 40,000 रुपीज का टैक्स। 111A नहीं है, 0, LDCG 112A वाला नहीं है, कैजुअल इनकम के ऊपर सीधा 30%, 3 लाख, और 3 लाख के ऊपर तो क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में था तो कोई टैक्स नहीं आया, राइट। कुछ स्टूडेंट्स का अगर क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमने यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड यहाँ से मूव किया, फिर भी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, फिर छोड़ दीजिएगा, कभी भी कैजुअल से या अनएक्सप्लेन से मूवमेंट नहीं होती। हाँ जी, टोटल कितना टैक्स आया, 3,40,000। तो 3,40,000 का टैक्स आया है, प्लस अब 4% सेस और लगा दीजिएगा और इनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाल दीजिएगा, और वो टैक्स लाइबिलिटी अगर 10 के मल्टीपल में ना आए तो उसको राउंड ऑफ भी करना होगा, करेक्ट। तो ये बातें मुझे करनी थी आपके साथ चैप्टर नंबर 1 की। हमारे स्टडी मटेरियल में एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड बातें भी ना इधर ही दी गई है, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड बातें भी चैप्टर नंबर 1 में दी गई हैं, बट वो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द चैप्टर ऑफ पीजीबीपी के साथ में डिस्कस करता हूँ एग्रीकल्चर इनकम, राइट। तो आई बिलीव चैप्टर नंबर 1 का आपका अच्छे से रिविजन हो गया होगा। प्लीज़ इसके क्वेश्चन आंसर, आपके पास जो भी बुक है प्लीज़ इसके क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लासेस करना, रिविजन लेक्चर्स करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सेल्फ स्टडी। तो आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चंस ट्राई कर करिए, ठीक है, लिख लिख कर देखिए, अभी काफ़ी आपके पास कंफर्टेबल टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, लिख लिख कर देखिएगा। अगर सारे 10 में से फॉर एग्जांपल 10 के 10 नहीं लिख सकते, 5 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए, इतना तो लिखिए ना कम से कम। तो जब आप लिख कर देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है और आपके एग्जाम में बहुत जल्दी चीज़ें आप कर पाते हैं, राइट। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।